हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारे घर में समय समय पर बहुत सारे कबाड़ निकलते रहते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टी हो या कोई गिलास या कोई और बर्तन। कई बार टूट फूट जाते हैं, कई बार कई चीज़ें फट जाती हैं। इन सब का यूज़ हम गार्डनिंग में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको डायरेक्ट किसी कबाड़ वाले को दे दे। दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा शौक है जिसमें हम किसी भी कबाड़ को बहुत ही खूबसूरती से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कबाड़ का बहुत अच्छे से गार्डनिंग में यूज़ किया गया है, और उसके बाद फिर वो कबाड़ नहीं लगता बल्कि बहुत ही खूबसूरत पॉट बन जाता है या कोई डेकोरेटिव आइटम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे पास एक 13 साल के बच्चे ने भेजा है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं और नाम है उनका नयन। नयन कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और उन्होंने खुद ही जो है अपने इस गार्डन को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं उनके गार्डन को क्या क्या उन्होंने बनाया है और किन चीज़ों से तैयार किया है। ये मेरा गार्डन है, मैंने खुद से बनाया है। यहाँ मैंने ग्रीन नेट भी लगाई हुई है क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, इसलिए। यहाँ मैंने सारे मनी प्लांट लगाए हुए, यहाँ मैंने हैंग भी किए हैं मॉसरोज के। देखो, ये मैंने घर पे ही बनाया है। और यहाँ मैं पक्षियों के दाना रखता हूँ और खाने आते। अभी ख़त्म हो गए। यहाँ मैंने अजवाइन के पौधे को एक कटे हुए डिब्बे में लगाए, अभी हैंग कर दिया है। यहाँ दो तुलसी के पौधे हैं। ये यहाँ मैंने डिबिलोस बैकबन का पौधा लगाया है, वो कटिंग से लगाया, अभी ग्रो कर रहा है। देखो, और ये डब्बा मैंने पेंट किया था घर पर ही। ये मनी प्लांट का पौधा है, मैंने पानी में रखा है। यहाँ वाटर बॉल्स लगाया अंदर है, देखो। यहाँ मैंने डीवाई करके मॉसरोज कटिंग लगाई थी। ये जेड प्लांट है, ये सिंगोनियम के पौधे मैंने कटिंग से लगाए, और ये मोगरे का पौधा है। देखो, अभी यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने यहाँ एक अनार की पौधे की कटिंग लगाई, अभी कैसे चल रही है देखो, यहाँ ग्रो कर रही है। और इसमें सारे मॉस रोज भी लगाए बहुत। यहाँ मॉस रोज और अजवाइन का पौधा है, मैंने तेल के डिब्बे में लगाए। यहाँ मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई है, अभी ग्रो कर रही है। और इसमें यहाँ मैंने सदाबहार और एलोवेरा का प्लांट लगाया था। यहाँ भी मैंने एक टूटी हुई डिब्बे से यहाँ एलोवेरा का प्लांट लगा दिया है। ये पर्सनल का पौधा है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने डिब्बे कट कर करके यहाँ सदाबहार लगा दिया है। ये अपराजिता का पौधा है, खेत से लाया था मैं। यहाँ मैंने पान की बेल की कटिंग लगाई है और अभी चल भी रही, देखो। यहाँ मैंने सारे मनी प्लांट लगाए हुए, यहाँ मैंने हैंग भी किए हैं मॉसरोज के। देखो, ये मैंने घर पे ही बनाया है। और यहाँ मैं पक्षियों के दाना रखता हूँ और खाने आते। अभी ख़त्म हो गए। यहाँ मैंने अजवाइन के पौधे को एक कटे हुए डिब्बे में लगाए, अभी हैंग कर दिया है। यहाँ दो तुलसी के पौधे हैं।
ये यहाँ मैंने दीबिलोस बैकबन का पौधा लगाया है, वो कटिंग से लगाया, अभी ग्रो कर रहा है देखो। और ये डब्बा मैंने पेंट किया था घर पर ही। ये मनी प्लांट का पौधा है, मैंने पानी भी रखा है। यहाँ वाटर बॉल्स लगाया है, अंदर है देखो। यहाँ सारे मॉसरोज और पर्सनल के ही पौधे हैं। ये देवीलस बैकबन का पौधा है। ये रूबी लीप की कटिंग मैंने लगाई थी, अभी चल रही है। ये कोलियस का पौधा है, अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी इसका कलर उड़ गया है। यहाँ मैंने सारे डिब्बे कट करके ही लगाया है घर पर जुगाड़ से। ये सदाबहार है, एलोवेरा का पौधा है। यहाँ मैंने एक फ्रूट के कैरेट में मैंने सब्जियाँ लगाई है। ये मिर्ची के है, ये सारे मिर्ची है। और ये टमाटर भी आए देखो, थोड़ी थोड़ी दिन बाद अभी पकने वाले। यह मैं पानी रखता हूँ ये पक्षियों के पीने के लिए। ये बैगन का पौधा है, यहाँ बैगन भी आ रहे हैं देखो। रे रैन लिली के पौधे बहुत सारे हो गए, अब निकाल के अब इसको हम दूसरे प्लांट बनाएंगे। ये स्पाइडर प्लांट है देखो, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ कर। ये मैंने कट करके इसके अंदर रैन लिली का पौधा लगा दिया है। यहाँ मैंने टमाटर लगाया है एक कैरेट में। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था कोलियस का, रेड कलर की कलर। यहाँ मैंने कोल्डियम के प्लांट लाया था बाहर से, यह लगाए। यहाँ मैंने एक बैग में मैंने अभी सदाबहार का प्लांट लगाया था, और अभी कैसा अच्छा चल रहा है। यहाँ मैंने डिवाइड करके मॉसरोज कटिंग लगाई थी। ये जेड प्लांट है, ये सिंगोनियम के पौधे मैंने कटिंग से लगाए। और ये मोगरे का पौधा है देखो, अभी यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने यहाँ एक अनार की पौधे की कटिंग लगाई, अभी कैसे चल रही है देखो, यहाँ ग्रो कर रही है। और इसमें सारे मॉसरोज भी लगाए बहुत। यहाँ मॉसरोज और अजवाइन का पौधा है, मैंने तेल के डिब्बे में लगाए। यहाँ मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई है, अभी ग्रो कर रही है। और इसमें यहाँ मैंने सदाबहार और एलोवेरा का प्लांट लगाया था। यहाँ मैंने क्यारा भी बना के इसमें सब्जियाँ लगाई देखो। यहाँ मैंने क्यारा बनाया है ईंटों से, और ये क्यारों में मैंने टमाटर मिर्ची के पौधे देखे हैं, टमाटर बहुत थे। ये बैगन भी आया हुआ है देखो, ये बैगन का पौधा है। टमाटर देखो अभी पक्का है टमाटर, कैसी लगी मेरी गार्डन।